बस कहा यह जाता है कि हम जिस तरह से खाना खाते हैं, हमारी जैसी खाना खाने की आदत होती है, हमारी सेक्सुअल हैबिट्स भी वैसे ही होती हैं। नफ्सियात के मुताबिक ये चीज़ें किस तरह से हैं, इसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, उसके साथ साथ मैं एक रिलेशनशिप थेरापिस्ट और सेक्स थेरापिस्ट हूँ। व्यूअर्स, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह का है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, उसकी बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं वो तीन हैं जो कि नफ्सियात इसके बारे में बयान करती है। और ये बात जो है बहुत अमूमन कही जाती है कि जिस तरह के आपके जनरल बिहेवियर्स होते हैं, मसलन जिस तरह से आप चीज़ों को डील करते हैं, अगर आप हाइपर एक्टिव हैं तो आप सेक्स में भी हाइपर एक्टिव होते हैं, अगर आप स्लो हैं मिजाज के, कूल हैं, तो आपकी सेक्सुअल हैबिट्स भी जो होती हैं वो भी बड़ी कूल और स्लो जो हैं वो होती हैं। इसी तरह से अगर आप बहुत ही ईजीली परेशान हो जाते हैं तो आप सेक्सुअल आपकी बिहेवियर भी जो होते हैं, यानी जिनसी बिहेवियर्स भी इसी तरह के होते हैं कि आप जल्दी इसमें भी परेशान जो हैं वो होने वाले होते हैं। इसी तरह से अगर आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है या आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं तो आपकी सेक्सुअल जो नीड्स हैं वो भी उसी तरह से, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेक्स और शौकीन जो हैं वो चीज़ें होती हैं। अगर आपका खाने पीने की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा हर वक्त रहता है तो फिर आपका सेक्सुअल चीज़ों की तरफ भी ध्यान जो है बहुत ज़्यादा यूजुअली रहता है। तीन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी ख्वाहिशात जो हैं या हम ऑपरेट करते हैं तीन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ अपनी ज़िंदगी को और अपने ज़िंदगी के बहुत सारे मामलों को, जिनमें से सेक्स जो है वो एक है। पहला प्रिंसिपल जो है वो इड है, आईडी। साइकोलॉजी इसके बारे में बात करती है कि जो आईडी है यानी इड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के ऊपर हम अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ गलत करना पड़े चाहे उसके लिए कुछ सही करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारी भूख, हमारी सेक्स, हमारी दूसरी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो हर लिहाज से पूरे होने चाहिए और वो फौरन पूरे होने चाहिए। यानी हम उनके लिए सब्र नहीं कर सकते, हम उनके मीन्स के ऊपर फोकस नहीं करते कि ये गलत है या सही है। इन एनी कॉस्ट जो है, इन एनी केस और एट एनी कॉस्ट जो है हमारी चीज़ें जो हैं वो ये होनी चाहिए, हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। ऑपरेट, हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है वो इट होता है, यानी आईडी होता है, जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ प्लेजर के, मेरा मुतमैन होना जो है, मेरा खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूजुअली वो लोग जो कि इट प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं या जिनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है वो इड होता है या प्लेजर होता है, प्लेजर एक्सट्रैक्ट करना हर चीज़ में से, उनमें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नज़र आती है, फ़ौरन फ़ौरन चीज़ें करना भी नज़र आता है, थोड़ा सा वो बहुत हाइपर एक्टिविटी की तरफ भी जो है वो हाइपर एक्टिविटी की तरफ भी हमें नज़र आते हैं। हाइपर एक्टिविटी डज नॉट मीन जो एक्चुअली हम देखते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर जल्दी 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 खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करने की कोशिश जो है वो करते हैं। और इसी तरह से उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी जो होता है वो जल्दी जल्दी और जो से वो चाहते हैं उसको वो हासिल करने की पूरी कोशिश जो है वो करते हैं। यानी अगर उनको, अगर उनका खाना खाने को दिल कर रहा है तो वो किसी भी तरीके से जो है वो खाने की तरफ चले जाएंगे, अगर उनका कुछ भी करने को दिल कर रहा है तो एट एनी कॉस्ट वो करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से अगर उनका सेक्स करने को दिल कर रहा है तो वो भी किसी भी जो है तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, नो मैटर वॉट। यानी ये कि अखलाकियात क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। सिर्फ उनकी ज़रूरतें जो हैं, उनकी जो चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी तरह के लोग जो हैं जो कि ईगो प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि बड़ा म्याना रवि के साथ चलते हैं। इसके बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले जो है मैं इट के ऑपोजिट एक और फोर्स जो है वो काम कर रही होती है उसके बारे में बात करूंगी। इट के ऑपोजिट जो एक और फोर्स काम कर रही होती है वो होती है सुपर ईगो हमारी। यानी सुपर ईगो एक एक्सट्रीम है और इड हमारी दूसरी एक्सट्रीम है। और जो सुपर ईगो है वो हमें कहती है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो, किसी भी किस्म का कोई गलत काम जो है वो आपसे हो नहीं सकता और ना ही हमें इजाज़त देती है कुछ भी गलत करने की है। यानी ये हमें फोर्स करती है कि हमारा करैक्टर जो है वो एग्जाम्पलरी करैक्टर होना चाहिए और हमें बेस्ट होने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए और वी नीड टू बी सुपर ह्यूमन बींग, यानी हम सुपर ह्यूमन बींग जो हैं वो हों। सो ये हमें किसी भी किस्म के गलत काम करने की तरफ ना तो इनक्रेज करती है ना जाने देती है, और अगर कभी कभार हमसे कोई गलती हो भी जाए तो देन हमारा अपना कॉन्शियस जो है
हमारा ज़मीर है वो हमें बहुत मलामत करता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें जो है वो नज़र आती हैं कि जी हम अपने आप को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। वो लोग जो कि सुपर ईगो में होते हैं कि दे डोंट गिव द चांस ऑफ मिस्टेक एंड सिन, वो एक्चुअली सुपर ईगो को अपने सेटिस्फाई करने की और इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो गुनाह की तरफ जो है उसके बारे में डर और खौफ थोड़ा सा ज़्यादा दिलों में बैठाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा ममानत करते हैं, एंड देन जो है वो इजाज़त भी नहीं देते कि आप इस तरफ जाएं, या फिर वो माफ़ भी नहीं करते। माफ़ करना उनके लिए बड़ा मुश्किल जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। सो इनके लिए रिजिडिटी जो है बहुत ज़्यादा हमें कॉमनली नज़र आती है। जैसे हम देखते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सेक्स को गुनाह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं, वो यूजुअली सुपर ईगो के अंडर जो है अपने आप को, सो वो हमेशा चीज़ों को गलत और सही के तनाजर में देखते हैं, और सेक्स उनके लिए जो है वो एक गुनाह वाली चीज़ जो है वो होती है। हमेशा इसके बारे में बात करना, इसके बारे में कुछ भी करना, और खाना पीना भी जो है वो उसी तरह से कर रहे होते हैं। सो हर बात में वो दे ट्राई टू मेक इट के जी हर चीज़ जो बहुत एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, बहुत जो है बेहतरीन होनी चाहिए। सो दिस इज़ अनदर एक्सट्रीम। इड एक एक्सट्रीम है और सुपर ईगो एक दूसरी एक्सट्रीम है। देन देयर कम्स एन ईगो, जो मैंने पहले बयान कर रही थी, ईगो कहीं मिडल में आती है यहाँ पे। और ईगो जो है वो हमारा वो प्रिंसिपल है जो कि हमारे इड और सुपर ईगो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करता है। और जब ये दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करता है तो इड थोड़ा सा ये कहती है कि हाँ ठीक, सॉरी, ईगो जो है थोड़ा सा ये कहती है कि थोड़ी सी इड की बात मान ली जाए, यानी प्लेजर प्रिंसिपल्स जो हैं उनको भी फॉलो कर लिया जाए, और थोड़ा सा सुपर ईगो की बात मान ली जाए कि थोड़ा सा वो जो गुनाह और सवाब वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ भी जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। और यूजुअली लोग जो हैं हमें नज़र आते हैं कि वो ईगो अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। इन टू एक्सट्रीम्स के ऊपर हमें कम लोग जो है वो नज़र आते हैं, यानी ईगो के साथ जो वो लोग जिनका प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो ईगो होता है, दे यूजुअली मार्जिन्स थोड़े से टेंडर होते हैं, चीज़ों को कंसिड्रेट करते हैं, कंसिड्रेशन उनमें थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा होता है, एंड दूसरों को जो है मार्जिन देते हैं कि शायद मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाता है। एंड देन वो ये भी समझते हैं कि सेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर एट द सेम टाइम कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको बेहतर तौर पे किया जाना चाहिए। सो ये तीन वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली हम जो है अपने बहुत सारे मामलाते ज़िंदगी, जिनमें से सेक्स जो है वो एक है और बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, उनको ऑपरेट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। वो लोग जो कि अब जिन लोगों का प्रिंसिपल जो है ऑपरेट करने का वो इड है, वो ऑफ कोर्स हर हाल में अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि उनको हर वक्त खाने की भी पड़ी रहती है, अपनी चीज़ों को फटाफट पूरा करने की भी ज़रूरत पड़ी रहेगी, और उनके अपने आप को वो टॉप ऑफ कॉल रखते रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो सुपर ईगो वाले लोग हैं वो हमेशा इस चीज़ की तरफ बहुत रिजिडिटी के साथ जाएंगे, हमेशा इसको बुरा समझेंगे और इसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन जो है उनका बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वो इसको गुनाह के साथ एसोसिएट करेंगे एंड दे विल नॉट गो फॉर दैट। वो लोग जो कि ईगो प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते होंगे वो बड़े आपको मियाना रवि के साथ और बड़े कूल नज़र आते हैं, और वो बिल्कुल उस तरह से चीज़ों को, यानी वो इंजॉय भी कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा प्लेजर भी ले रहे होते हैं, थोड़ा सा अख्लाकियात की चीज़ें जो हैं वो भी साथ साथ लेके जो है वो चल रहे होते हैं। सो हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स, जैसे हम अपनी आम डे टू डे ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी के मामला, जैसे मैंने कहा कि हमारा खाना पीना जो है, लोगों से मिलना मिलाना है, हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर वेट करना है, ये सारे मामला जिस तरह के, अगर आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी है तो आपके सेक्स के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। अगर आप हर चीज़ को बहुत तेज़ तेज़ और जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो आपके सेक्स के बिहेवियर में भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी। एंड देन अगर आप थोड़े से कूल माइंडेड हैं, चीज़ों को स्लो लेके चलते हैं, आराम आराम से करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सेक्सुअल बिहेवियर में भी यही चीज़ आपको नज़र आती है कि आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, यू क्रिएट इन एन एक्सपीरियंस। आप खाने को भी इंजॉय करते हैं, आप अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटी उसको भी इंजॉय करते हैं, और आप सारे काम, आप अपने वर्क को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड देन देयर इज़ जो कि सुपर ईगो वाले लोग हैं, जिनको हम समझते हैं कि दे टेक देम सेल्स एज इफ दे आर द सुप्रीम पीपल, एंड वो लोग जो हैं वो यूजुअली हमें नज़र आएंगे कि दे विल बी कि वो बिल्कुल भी जो है किसी भी चीज़ की ज़्यादती की तरफ या किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो है वो इन नेगेटिव सेंस जो है वो नहीं जाएंगे, बल्कि वो
अच्छाई की या अपने आप को रोके रखने की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगे, यानी उनके अंदर हमें वो रिजिडिटी जो उनके इसमें आती है कि जी गलती इंसान नहीं कर सकता, गुनाह इंसान नहीं कर सकता, हर चीज़ जो है वो कुछ सेट प्रिंसिपल्स के ऊपर ही होनी चाहिए, कुछ क्या सेट प्रिंसिपल्स के ऊपर ही होनी चाहिए, तो वो उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी हमें इसी तरह से रिजिड नज़र आता है। सो हमारे डे टू डे बिहेवियर्स जो होते हैं वो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स को भी डिटर्मन करते हैं। टेल मी वॉट इज़ योर बिहेवियर, आपका प्रिंसिपल क्या है, इट ईगो और सुपर ईगो। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।